तो क्या हो गया? वो पहले जहाँ पे बैठता है वो उसकी जगह होती है, मैं यहाँ पे पहले बैठी हूँ क्योंकि मेरी जगह है, आप पहले यहाँ पे बैठे तो ये आपकी जगह। आदू आपको चेयर पे बैठना है तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा, फिर आप, मैं फिर आप आना दीदी के साथ नहीं बैठ पाऊंगा। ओहो ठीक है, अब आप डिसाइड करो आपको चेयर चाहिए कि आना दीदी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइज, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। और अभी ये जो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम दी न्यू कैमरा जो कल आपको अनबॉक्स करके दिखाया था। एंड अगू इज ऑल्सो हेयर, अगू कम। और आदू स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी है। आदू आज तो न्यू कैमरा से ब्लॉगिंग हो रही है भाई, कैसा है कैमरा? अच्छा, हमारा सारा रूम दिखा दो कैमरा में। गाइस ने देखा हुआ है हमारा सारा रूम यार, सब ने देखा हुआ है। अब आप स्कूल के लिए रेडी हो? आज जरा अपना हेयर स्टाइल दिखा दो। आज स्कूल के लिए हमने आदू का हेयर स्टाइल, अरे तो बैठ गई। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। अभी ना हमें भी ऑपरेट करने में थोड़ा, मतलब मेरे को तो टाइम लगेगा, नोनू को तो फुल आता है। अरे भाई आदू सीधा हो जाओ, सीधा देख ले, देख ले, देख ले लड़की, देख ले कहाँ जा रही है। तो एक मिनट रुक जाओ यार, मैं तो दिखा भी नहीं पा रही आपको। इजी टू व्लॉग होगा, मजा आएगा। इजी टू व्लॉग होगा, मजा आएगा, सीखना पड़ेगा तू ये। हाँ अब आए हो आप। सो अच्छा बाबा, वो देखो आपका बॉक्स पड़ा हुआ है। सो आदू का जैसे हेयर स्टाइल वगैरह रेडी कर रहा है, क्योंकि आदू टाइम से रेडी हो जाती है ना, फिर इसका हेयर स्टाइल कर पाती है मम्मा, है ना। अब चले अगू। सो वी आर ऑल सेट नाउ, अब हम जा रहे हैं, चले लाडो। और अभी इसको ऑपरेट करना मुझे नोनू से सीखना पड़ेगा, क्योंकि नोनू को तो इसके फंक्शंस वगैरह सब पता है कैसे करना है, मेरे को ना इसको रोटेट करना आता है ना कुछ। सो धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रो हो जाएंगे इसमें। हे भगवान जी, हे भगवान जी, दया करना, रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोनों को थैंक यू फॉर एवरीथिंग कर दिया आदि ने। बाय बाय कर दो। जी कौन सी कोड लैंग्वेज है जिसमें आप भगवान जी से बात करते हो? तो आदू को स्कूल छोड़ के आ गए थे हम लोग, एंड अब टाइम हो गया उसको लेके जाने का। उसके बीच में हम वो व्लॉग एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ काम वाम कर रहे थे। अब आदू को स्कूल से लेने जा रहे हैं। ऑल्सो मम्मा का आज बर्थडे है, मतलब मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं आदू वगैरह नोनू वगैरह सब वहीं पर जा रहे हैं। एंड अभी जो मैं अभी करेंटली जिससे व्लॉग कर रही हूँ वो मेरा फ़ोन है, क्योंकि भाई उसको चलाना इतना आसान नहीं है। नोनू पहले अच्छे से सीख ले एंड देन वो मुझे बता देगा कैसे कैसे इसको ऑपरेट करना है। सो मिलते हैं अब आपसे, पहले आदू को ले आए स्कूल से, उसके बाद मिलेंगे। तो गाइज आदू को लेके घर आ गए हैं, मतलब उसके आदू की नानी हाउस आ गए, और आज बारिश आ रही थी पूरे भीग गए, बस आके कपड़े वपड़े चेंज करे और इनको यहाँ देख लो। आदू क्या सीन है बेटा, ये आप कब इस चीज से बाहर निकलोगे? क्या ना दीदी आ चुकी है, यही रहेंगी। ये रोज आके ऐसे गले मिल जाते कि मैं नहीं जाने दूंगी। और यहाँ के, अरे यार क्या करा यार तुम लोगों ने, अभी दिखाने लगी थी मैं कि हमको हम ही मिल गए। अच्छा वो आ गया, स्क्रीन सेवर आ गया। रुको अभी हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भी हमारी व्लॉग चल रही है, देख रहे हैं, मतलब फुल फैमिली में अपना चल रहा है, यहीं से ही सारे व्यूज आ रहे हैं हमारे पास। सो अब बस कुछ खाते पीते हैं। हाँ तो क्यों इतने एक्साइटेड हो आप? सुनो आपने नानी को हैप्पी बर्थडे कुछ बोला है? हेलो थैंक यू। आप भूल गए थे हैप्पी बर्थडे बोलना, हगी करके बोलते हैं ना यार, जाओ हगी करके आओ, हैप्पी बर्थडे बोल दो। आप भूल गए थे हैप्पी बर्थडे बोलना? देखो ये भी पूरी हो गई व्लॉग में, देखते देखते करे कैमरा। तो गाइज आज वो है, वापसी हुई है, जैसे बहुत टाइम से काम नहीं चल रहा था, मतलब एक दो दिन से ना, एक तो तबीयत खराब थी, फिर नेहा वगैरह भी आ गई, तो उस एक्साइटमेंट में ना काम थोड़ा सा ऐसे लैग में आ गया था। सो आज से बैक टू वर्क हो गए, जैसे आदू आज बैक टू स्कूल हुई है, सो आज मैं दोपहर से अपना काम कर रही, जो पेंडिंग वर्क है वो भी कर लिया, मतलब प्रिपेयर कर लिया, एंड कल से बैक टू शूट। और ये देख लो जरा यहाँ पे आदू का आज होमवर्क, देखो आज आदू को ना कलरिंग का होमवर्क मिला था। गगन हटी हुई ना, ये देख लो जरा आदू कौन होमवर्क करा रहा है आपको? मम्मा होमवर्क करा रही है। अच्छा आज ये आपकी मम्मा बनी है? मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? गगन मेरे को वो याद आ गया, तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? आदू सॉफ्टली सॉफ्टली करना, कर लोगे अच्छे से? ये कैसा होमवर्क है? मुझे बहुत मत करो, मैं आई थी तो स्कूल। क्या बात नहीं करो, मैं स्कूल आई। अच्छा स्कूल आई हुई है, सॉरी स्कूल में फोन अलाउड नहीं होता ना गाँव।
अच्छा आप अपने घर हो, आपका और आला दीदी का घर है, ये देख लो गाइस जरा इनका घर देख लो, इनकी घर की दीवारें कितनी मजबूत है ये भी देख लो। ये छत ये इनकी छत है और ये मासी भक्ति हुई। ऐसे कैसे बच्चों की छत पे बैठे हुए थे आप? मामू आपको क्या है, आपको तो घर से अंदर नहीं जाने दे रहे। आपने तो घर निकाला हो रखा है। आना दीदी और आदू आप लोग मामू को घर क्यों नहीं घुसने दे रहे बेटा? उनका ये देखो ना स्क्वायर के हिसाब से देखो ना, थोड़ा छोटा है ना, उनको क्या बोलते हैं कार्पेट एरिया छोटा है उनके घर का। आदू बेटा आप तो नीचे देख भी नहीं रहे, ऐसे लग रहा है आना दीदी कर रही है होमवर्क। लाडो क्या हो गया आपको, गिर गए आप? अब तो बड़े सीरियस गिरे हो, हिल नहीं पा रहे। तो ये लोग खेल रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आहाना शर्मा, आप डॉक्टर बने हो? तो बेटा स्टेथोस्कोप लेके कौन सी माँ बैठती है? मम्मी डॉक्टर है, ये वो नाटक के लिए। अच्छा आप डॉक्टर भी हो साथ में कि सिर्फ मम्मी हो? मैं डॉक्टर भी बनूंगी। अच्छा डबल रोल है आपका इसमें। वो बच्चा वही ले तो बेटा देखो बच्चे को, काफी ज्यादा बीमार लग रहा है, बच्चा चेक करो बेटा। बच्चा ही ढक दिया मम्मी अपनी माँ के कहने पे खड़ी होगी फटाफट। ये मासी यहाँ बैठे बोल रही है वही वही। अगर ये मेरी वीडियो है ना तो बीच के साथ में मैं देखो बताऊंगी। ये इसको जब वीडियो में लोग बीच ही खा रही होती है। अच्छा ये डॉक्टर बन गई। हेलो क्या हो गया आपको? क्या बेटा ये कौन सा लेग है, ये कौन सा लेग है आपका? बदल गया मिनट में बदल गया। डॉक्टर खुद ही लगा लिया। कैसा डॉक्टर है वो? ये भी झोला छाप डॉक्टर। हेलो हेलो क्या करा रहे हो, आवाज थोड़ी गई है उसकी। आपको बोला लंबी सांस लेने को, ऐसे लेते लंबी सांस बेटा, आपको थोड़ी लंबी सांस लेनी है। इसको बता रही हूँ कैसे करना है। अरे ये कैसी बीमारी हुई है बेटा, सिर पे चोट लगी है आपके? सिर पे चोट लग गई थी क्या? कौन सा ओ माय लेग हो रहा है आपका ये? डॉक्टर लेग पे लगी है उसके। देख ले दोनों सामने ही। अरे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप पे हेलो हेलो करने में बिजी है। ओ ये हर दो मिनट में हेलो हेलो करने लग जाती है उसमें। लो जी अड़ गया, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको इसके पैर पे लगते हैं। आप क्या बोल रहे थे मेरे को? नहीं अभी कैसे बुला के कह रहे थे आप मेरे को? मेरी बेटी गिर गई। ओ मेरी बेटी। अच्छा खड़े होके अपनी ड्रेस तो दिखा दो गाइस को, कैसे क्यूटी पाई लग रहे हो आप? की छोटी छोटी ड्रेस देख लो जी, कैसे हनुमान जी जैसे मुंह बनाया। मत करो ऐसे, नहीं करो। आदो गट्टू लग रहा है, आदू गट्टू लग रहा है फिर। क्या हुआ आदू? पापा आदू गट्टू लग रहा है, देख लो देख लो गाइस, ये देखो गट्टू लग रहा है ना ये। गाइस वी हैव रीच्ड एंड प्लान तो कहीं और जाने का था, वहां जाके पता चला वो ऑलरेडी फुल्ली बुक था, तो एंड मोमेंट पे बस हमने चेंज किया है प्लान एंड हम लोग सब यहाँ पे सेटल हो गए। सबने खाना भी शुरू कर दिया और वहाँ पे देख लो नोनू और आदू सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रुको मैं जाके सुलझाती हूँ, रुको जरा रुको। तो क्या हो गया? वो पहले जहाँ पे बैठते हैं उसकी जगह पे, मैं यहाँ पे पहले बैठी थी। आदू आपको चेयर पे बैठना है तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा, फिर आप आना दीदी के साथ नहीं बैठ पाओगे। ओहो ठीक है, अब आप डिसाइड करो आपको चेयर चाहिए कि आना दीदी चाहिए। ओह फिर आपको आना दीदी के साथ नहीं बैठना। पापा बैठ जाएंगे आना दीदी के साथ फिर। क्या हो गया? की हो गया की हो गया कर ले। अच्छा अच्छा पता लग गई थी। आदू सुनो सुनो आप फटाफट आना दीदी के साथ बैठ जाओ, आना दीदी के यम्मी यम्मी चीजी खाओ, पापा को बैठने दो यहाँ पे ठीक है, या मम्मा साथ बैठना चाहोगे? आ जाओ फिर आप मम्मा साथ बैठ जाओ। कम बेटा इधर थोड़ी खाओगे, आओ जल्दी आओ, सब यम्मी यम्मी चीजी खा रहे हैं।
तो यहाँ पे आ चुका पनीर लबाबदा, प्लेटें खाली पड़ी है मेरी तो, बाकी सबकी भरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जो वेट करने वाला नहीं होता तराजू में, जिससे वेट करते हैं वो लग रहा है। रोटी आ चुकी है, खाते और मजे करते हैं। आदू पहले नानी को खिला दो, नानी का बर्थडे है ना। देखा नहीं तूने क्या करके करा उसने, वो देख थैंक यू पूरा चक्कू उठा के ले गई मम्मी के पास। मेरे को क्या ले रहे हो? तेरे को पूछ नहीं रहा क्या कोई? कोने में बैठा है ऐसे। इसके मैनेजर का बर्थडे भी बताया। तेरे को कोई पूछ नहीं रहा क्या? आपको कौन सा किसी ने बुला लिया? मैं तो ब्लॉग तो बना रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। जवाइयों को क्रंची ही खिला दी। ऐसे तो बेबस साउंड मत करो आप लोग। बोलो आप लोग भी, आप लोग। एवरीवन शुड हैव अ सिंगल बाइट ऑफ इट। वेरी वेरी स्मॉल बाइट। व्हाट हैपेंड बडी? चिल गया जी। मेरी भी क्या? ठीक है, केक लाओ यार। चलो यार केक खाएंगे। छोटा बच्चा परेशान। केक लाओ यार, केक खाएंगे। बड़े बच्चों तुम मर जाओ। बड़े क्या कर रहा है? पहले गिफ्ट ले। चल केक कटा। आ तू आओ नानी, केक साइड दे। सो घर आ गए, मैंने चेंज वेंज सब कर लिया और सबकी एनर्जी खत्म हो गई सिवाय इस लड़की के। इसकी एनर्जी देख लो बेटा, अब तो गाना भी बंद हो गया बेटा। क्या हुआ आपको? क्या हो गया? क्या हुआ? माली से चल रही है सास बहू की। गाइस यू फील जेलस? यस आई डू। अपनी सास से करवा लेता, क्यों नहीं करवाया? बर्थडे बना। एक्चुअल में आज उनका बर्थडे था। बर्थडे बना, बर्थडे में, बर्थडे सास के बर्थडे में गोल्ड की चेन कौन पहन के जाता है? मैं पहन के जाता हूं। कौन अंगूठियां पहन के जाता है? मैं पहन के जाता हूं। मैं जवाई हूं, मैं घर का जवाई हूं। बेटे दुबई वाला जवाई नहीं आया था, इसलिए जो आप करने जा रहा था वो भी आई नहीं है। और जाके ना वहां पे ना जो ऐसी इधर वाली होते ना, तो हेड ऑफ द फैमिली वाली, मैं घर का जवाई हूँ, मैं इधर बैठू, ऐसे रोक दिखा के आया। ओहो आदो चीनी गिराना। आदो ऐसे डालते दिल। किसकी? ये आपकी दादी अम्मा है, ये आपकी दादी अम्मा है। आदो मैं दादी अम्मा हूँ, ये दादी अम्मा है। ये कौन है? मेरी ये मेरी दादी अम्मा है। क्या हो गया? नहीं रहा। क्यों परेशान है? क्या कर रहे हो ये बच्चे की? क्या बच्चे की छेड़खानी को कर रहे हो? अरे इसका होमवर्क था ना, होमवर्क उसने कर दिया था, इस पे बिंदी पेस्टिंग कर दिया। क्या है ये? मेरे पे ब्लैक इतनी छोटी बिंदी है, सीट्स बनाने थे। हाँ। थोड़ी बड़ी होती ना आराम से लग जाती, मैं एक एक जगह दो दो लगा रही हूँ, इतनी छोटी निकल ही नहीं रही। आदू अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए ना। ये गलत है, बच्चों को ऐसा होमवर्क देते कि बच्चा करे। आदू अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते फिर आप? तो आप जीना अच्छा, होमवर्क मम्मा पापा करें, आप झूला झूलोगे? आप तो बड़े अच्छे हो यार, आप तो बड़े अच्छे हो यार। क्या बोला? कितने कॉन्फिडेंस है? मैं तो झूला झूल रही हूँ ना, कि मैं भी तो काम कर रही हूँ। मैं भी तो झूला झूल रही हूँ ना, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? नहीं मैं भी तो काम। कितने बच्चे हो आप? सो गाइस रात के 12:30 बज गए हैं, हम लोग अब सोने लगे हैं। बस यादू का ये लास्ट जरा सा काम बचा था वो करके वाइंड अप करके हम सो जाएंगे, ब्लॉग की एडिटिंग भी करेंगे। कल सुबह मिलेंगे, देख ले जैसे इसको सोने का बोलती हूँ ना, इसको दुद्दू याद आ जाएगा, सत्ती सौ चीजें याद आ जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग देखने के लिए वेरी गुड, बाय गाइस, बाय गाइस। बेटा वट्टो वट्टो।